मेरे प्यारे छात्रों, आज की कक्षा के द्वितीय भाषा हिंदी कक्षा में आप सबको स्वागत है। बच्चों, पिछली कक्षा में हम अध्ययन किए थे कि तिमग्गा नामक पाठ समाप्त करके उसके प्रश्नोत्तरों के बारे में भी चर्चा किए थे। आज उसके ग्रामर के बाद कहने वाले वाक्यों में प्रयोग के लिए इससे वहां से प्रारंभ करने वाले हैं। बच्चों, एक बात कहना चाहता हूं कि पिछली कक्षा में हम एक वाक्य में उत्तर लिखे, दो तीन वाक्य में उत्तर लिखे और रिक्त स्थान भरे, यहां तक के विचारों के बारे में अध्ययन किए हैं। आज उसके आगे का भाग हम देखने वाले हैं। पोस्टमैन है, वाक्यों में प्रयोग कीजिए मिसाल। आपको यह मालूम रहना है कि मिसाल का मतलब क्या है। मिसाल का मतलब है उदाहरण। यस, आप पुस्तक में वहां है ना, एक सेंटेंस है, उसके लिए भी लिख सकते हो। समाज सेवा के क्षेत्र में तिम्मक का एक मिसाल बन गई है, वैसे भी लिख सकते हैं। एक वाक्य है तो दूसरा, धर्म कार्य और सामाजिक कार्य क्षेत्र में हमारे वीरेंद्र हेगड़े जी एक मिसाल बन गए हैं। मेहनत मजदूरी, गांव में किसान मेहनत मजदूरी करके अपना जीवन पालते हैं। पसीना बहाना यह वाक्य के लिए, खेती में किसान बहुत पसीना बहाते हैं। धर्म कार्य, आजकल बहुत सारे साधु संतों के हाथ से बहुत धर्म कार्य चल रहा है। तबियत, पिछले दिन मेरी तबियत ठीक नहीं था। मुसीबत, जीवन में मुसीबत का क्षण कब आते हैं और चले जाते हैं यह मालूम नहीं रहते हैं। यह है वाक्यों में प्रयोग कीजिए, इसका वाक्य है। और कन्नड़ नहीं तो अंग्रेजी में अनुवाद करना है, यहां देखना है तो, अपना दत्तक पुत्र को कर तिम्मक का बहुत दुखी हुई। तन्ना दत्तु मगनन्ना कळेदुकोंडु तिम्मक बहळ दुःखितरादरु। इन्नोम्मे, तन्ना दत्तु मगनन्ना कळेदुकोंडु तिम्मक बहळ दुःखितरादरु। उन्हें अपने बच्चों की तरह प्रेम से पाला पोसा, अवगलन्नु तन्ना मक्कळ हागे प्रेमदिंद पालने पोषणे माडिदळु। अवगलन्नु तन्ना मक्कळ हागे प्रेमदिंद पालने पोषणे माडिदळु। तिम्मक्का के जीवन में मुसीबत की घड़िया शुरू हुई। तिम्मक्कळ जीवनदल्ली संकटद समय प्रारंभवायितु। तिम्मक्कळ जीवनदल्ली संकटद समय प्रारंभवायितु। फोर्थ वन है, तिम्मक्का अब तक 300 से अधिक पेड़ लगाए हैं। तिम्मक्का इल्लियवरेगे 300 ಹೆಚ್ಚು ಮರಗಳನ್ನು ನೆಟ್ಟಿರುತ್ತಾರೆ। ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ, ತಿಮ್ಮಕ್ಕ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ 300 ಹೆಚ್ಚು ಮರಗಳನ್ನು ನೆಟ್ಟಿರುತ್ತಾರೆ। ಫಿಫ್ತ್ ವನ್ ಹೆ, ಪರ್ಯಾವರಣ ಸಂರಕ್ಷಣೆಗೆ ಸಾಥ ಸಾಥ ತಿಮ್ಮಕ್ಕ ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಾರ್ಯ ಭೀ ಕರ್ ರಹಿ ಹೇ। ಪರಿಸರ ಸಂರಕ್ಷಣೆಯ ಜೊತೆ ಜೊತೆಗೆ ತಿಮ್ಮಕ್ಕ ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಾರ್ಯ ಗಳನ್ನು ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ। ಪರಿಸರ ಸಂರಕ್ಷಣೆಯ ಜೊತೆ ಜೊತೆಗೆ ತಿಮ್ಮಕ್ಕ
सामाजिक कार्य यह है कन्नड़ में अनुवाद कीजिए। पर्यायवाची शब्द है, देखिए इसका समानार्थक शब्द कह सकते हो हिम्मत धैर्य धीरज कह सकते हो। पानी जल उदक कह सकते हो। पेड़ वृक्ष वटु कह सकते हो। पक्षी चिड़िया पंची कह सकते हो। महिला स्त्री औरत कह सकते हो। तबीयत सेहत स्वास्थ्य यह कह सकते हो। यह है पर्यायवाची शब्द का अर्थ है। विलोम शब्द लिखिए, इनके विलोम शब्द लिखना है जन्म मृत्यु आसान मुश्किल। गरीब अमीर अपना पराया छोटे बड़े। सार्थक वाक्य बनाए हैं, देखिए सार्थक वाक्य यहां उल्टा पलटा है उसको सार्थक वाक्य के रूप में बदलाव करना है। चिक्करंगैया पिता विजयम्मा माता ते उनके और यहां आपको सही वाक्यों में परिवर्तन करना है। तो पहले क्या लिखना है उनके, दूसरा पिता, तीसरा चिक्करंगैया, चौथा पोतवन और पितवन माता और नेक्स्ट विजयम्मा नेक्स्ट ते। अभी एक वाक्य में कह देता हूं उनके पिता चिक्करंगैया और माता विजयम्मा ते, ऐसे आपको लिखना पड़ता है। नेक्स्ट वन है एक ती विजयम्मा से में च संतान संतानों उनकी, ऐसे है। इसको आपको कैसे जो लिखना पड़ता है, देखिए उनकी पहला लिखना है, सेकेंड वन च, तीसरा वन संतानों, फोर्थ वन में, फिफ्थ वन से, सिक्स्थ वन दिमाग का, सेवेंथ वन ए, एट्थ वन टी। आपको कैसे लिखना है देखिए, उनकी छह संतानों में से तिम्मक का एक थी, ऐसे आपको लिखना पड़ता है। नेक्स्ट है मुसीबत की घड़ियां जीवन में तिम्मक का के शुरू हुई, यह आपको टिक करना है, तो टिक से लिखना है तो तिम्मक का पहले लिखना है, सेकेंड वन के, थर्ड वन जीवन, फोर्थ वन में, फिफ्थ वन मुसीबत, सिक्स्थ वन की, सेवेंथ वन घड़ियां, एट्थ वन शुरू, नाइन्थ वन हुई। आपको सही सेंटेंस में लिखना है तो देखिए तिम्मक्का के जीवन में मुसीबत की घड़ियां शुरू हुई, इस तरह आपको सार्थक वाक्य बनाना है। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द लिखना है, देखिए जो पति पत्नी हो इनको क्या कहते हैं, दंपति कहते हैं। जिसके कोई संतान न हो इसे क्या कहते हैं, निसंतान कहते हैं। राह पर चलने वाला, राह पर चलने वाला राही कहते हैं। जो पढ़ा लिखा न हो अनपढ़ कहते हैं। जोड़कर लिखिए, देखिए अवाक में देखिए, पुला न समाना घोड़े बेचकर सोना, उंगली पर नचाना आंखें कुलाना कुलना आग बबूल होना। बाग में देखिए निश्चिंत रहना वश में रखना होश आना नष्ट करना अत्यंत प्रसन्न प्रसन्न होना अत्यंत क्रोधित होना, यह सभी मोहरे है और उसके अर्थ है। देखिए क्या 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 लिखना पड़ता है, देखिए फूला न समाना अत्यंत प्रसन्न होना, सेकेंड वन है घोड़े घोड़े बेचकर सोना
उसका उत्तर है निश्चिंत रहना, उंगली पर नचाना, वश में रखना, आंखें खुलना, होश आना, आग बबूल होना, अत्यंत क्रोधित होना। यह नष्ट करना इसके लिए सही अर्थ नहीं है। अब आप यह भी देख लीजिए कि यह घटना अनुक्रम क्रमानुसार वाक्यों में लिखना पड़ता है, वह देख लीजिए। तिम्मक्का के जीवन के घटना क्रमानुसार वाक्य लिखिए। देखिए सही तरीके से ऊपर नीचे है, उसको सही मात्रा में आपको लिखना पड़ता है, एक के बाद एक लिखना पड़ता है। देखेंगे, एक बार पढ़ लेता हूं। जानवरों के लिए उन्होंने पीने की पानी का इंतजाम किया। तिम्मक्का के जीवन में मुसीबत की घड़ियां शुरू हुई। तिम्मक्का के पति का नाम बिक्कल चिक्कैया था। पेड़ों को भेड़ बकरियों से रक्षा करने का व्यवस्था की। पर्यावरण संरक्षण के साथ साथ तिम्मक्का अन्य सामाजिक कार्य भी कर रहे हैं। यस ओके, पहला आपको क्या लिखना है, पहला वन सेंटेंस है तिम्मक्का के पति का नाम बिक्कल चिक्कैया था, बिक्कल चिक्कैया था। सेकेंड वन है जानवरों के लिए उन्होंने पीने की पानी का इंतजाम किया। जानवरों के लिए उन्होंने पीने की पानी का इंतजाम किया। तीसरा वन है पेड़ों को भेड़ बकरियों से रक्षा करने की व्यवस्था की। पेड़ों को भेड़ बकरियों से रक्षा करने की व्यवस्था की। फोर्थ वन है तिम्मक्का के जीवन में मुसीबत की घड़ियां शुरू हुई। तिम्मक्का के जीवन में मुसीबत की घड़ियां शुरू हुई। फिफ्थ वन है पर्यावरण संरक्षण के साथ साथ तिम्मक्का अन्य सामाजिक कार्य भी कर रहे हैं। पर्यावरण संरक्षण के साथ साथ तिम्मक्का अन्य सामाजिक कार्य भी कर रहे हैं। देखिए रेखांकित कारकों का नाम लिखिए। देखिए यहाँ कुछ शब्दों पर रेखांकित किए हैं, उसका नाम लिखना है, कारक का नाम लिखना है। कुछ कारकों को यहाँ रेखांकित किए हुए हैं, उनका नाम आपको लिखना है, कौन से कारक है यहाँ। आखिर कारक का मतलब क्या है? कारक यहाँ जो दो शब्दों को जोड़ने का काम करते हैं, यहाँ कारक का उपयोग किया जाता है। अब यहाँ है कुछ कारक दिए गए हैं, उस कारकों का बारे में हम चर्चा करेंगे। कारक बच्चों आपको यहां भी याद रहना है, कारक का मतलब क्या है, कारक में कितना प्रकार है। कारक में 8 प्रकार है, इनके 8 प्रकार है। कौन कौन से कारक, कौन कौन से जो नाम से संबोधित किया जाता है, देखिए कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदा के लिए अपादन से संबंध संबंध का के की अधिकरण ने पर संबोधन या देखिए बच्चों कर्ता ने
कर्मांतोकरण से संप्रदान के लिए अपादन से संबंध काके के अधिकरण में पर संबोधन ए अरे। देखिए आपको वचन यहां याद में रखना है कि कारक कहां उपयोग किया जाता है। मैं एक सेंटेंस लिखता हूं आपको यहां मालूम हो जाता है। देखिए राम ने रावण को बाण से मारा। यहां निकाल है वो काव्य से कार यह देखिए तीन कारण यहां उपयोग हुआ है। यहां राम और रावण का संबंध मतलब रावण और इसके जो जोड़ने का कार्य निकाह में किए और रावण और बाण इसको जोड़ने के लिए ओकार का जो प्रयोग किया है और यह बाण और मारा इसको जोड़ने के लिए सेकार का प्रयोग किया गया है। आपको यह याद रहना है बच्चों कर्ता ने कर्मा को करण से संप्रदान के लिए अपादन से संबंध काके की अधिकरण में पर संबोधन अरे एक अरे यहां याद रहना है। आपको यहां देखने के बाद में एक बात जो समझ में नहीं आते सर आपने तो यहां दो दो बात से लिखे हो यहां से का मतलब क्या है हमें कैसे मालूम हो जाता है यहां करण कारक है या अपादन कारक है हमें तो मालूम नहीं होते है क्योंकि क्या है दोनों दिखने में से ही है। यहां आपको एक ट्रिक्स कह देता हूं वह भी याद रखना है। करण कारक में क्या करना है देखिए यहां द्वारा इसके द्वारा होते हैं यहां याता है ऐसे ही और अपादन कारक में देखिए अलग होना जब दो वस्तु अलग होते हैं ना यहां अपादन कारक का उपयोग किया जाता है। आपको यहां याद रहना है बच्चों यहां आपको सिंपल तरीके से आप जान सकते हो इजी है आपको यहां ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है। कर्ता ने कर्मा को करण से का माना जो कि बाण से मारा या राम ने रावण को बाण से मारा आपको यह ऐसे देखिए यहां कर्ता ने कर्मा को करण से मारा वैसे ही संबोधित होता है। देखिए कर्ता ने यहां कर्ता कारक है को कर्म कारक है से करण कारक है यहां ये तीन कारक यहां उपयोग हुआ है आपको मालूम हुआ ऐसा मैं मानता हूं। ये समझ लीजिए अपादन कारक के लिए एक उदाहरण भी दे देता हूं क्योंकि आपको समझ में नहीं आया है अलग मतलब क्या है सर। सी पेड़ से पत्ता गिरा पेड़ और पत्ता दोनों अलग हुए देह से प्राण निकल गए देह से प्राण देखिए दोनों अलग हुए मतलब आना यहां सेपरेट होना है ऐसा कहते हैं। देखिए अपादन के लिए अलग होना है करण के लिए द्वार आपको यहां याद रखना है। कर्ता ने कर्मा को करण से संप्रदान के लिए अपादन से संबंध काके के अधिकरण में पर संबोधन ए अरे आपको यहां याद रखना है। रेखांकित कारकों का नाम लिखिए आपको रेखांकित कारकों का नाम लिखना है यहां कुछ रेखांकित कारक लिखे हैं उनका नाम आपको लिखना पड़ता है। तिम्मत का नाम आज कर्नाटक के कोने कोने में प्रचलित व्याप्त है आपको यहां भी याद रहना है। तिम्मत का के नाम आज कर्नाटक के कोने कोने में व्याप्त है यस तिम्मक्का के नाम देखिए तिम्मक्का का नाम का कौन सा है देखिए संबंध कारक है आपको रेखांकित किया है का या संबंध कारक लिखना है। कर्नाटक के मतलब आपको याद रखना है के या भी संबंध कारक के। दूसरा वन है वे दूसरों के खेती में पसीना बहाकर काम किया करते थे यहां रेखा किस शब्द क्या है के यहां ढूंढे तो आपको वहां भी
कहां मिलते हैं? संबंध कारक में ही मिलते हैं, संबंध कारक वहां है। तीसरा वन है दत्तक पुत्र के सगे माँ बाप को निंदा सुननी पड़ी। देखिए को यहां अंडरलाइन किया है, को कहां है? कर्म कारक है को, यस। और गांव के पास ही श्रीरंग स्वामी का मंदिर था, यहां के है। एक और बात संबंध कारक है। इस तरह हम सब कारक के बारे में बहुत कुछ विस्तार शब्दों के तरीके से हम अध्ययन किए हैं। आने वाले कभी भी जो पाठों में आपको यदि कारक पहचानने के लिए कहा तो ऐसे जो आपको लिखकर रखना है अपने नोट से लिखकर रखे तो यहाँ काफी है, आप सीधा सीधा यहाँ पहचान सकते हो। बच्चों आज की कक्षा में हम वृक्ष प्रेमी तिम्मक्का नामक पाठ के पूरे जो प्रश्नोत्तर ग्रामर का हम सब कुछ देखे हैं और आने वाली कक्षा में हम आगे का पाठ देखेंगे। यहाँ कहते हुए आज की कक्षा यहाँ ही समाप्त कर देता हूँ। धन्यवाद।